अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी आम का सिरके वाला अचार, जैसा आप मार्केट से लेके खाते हैं। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जी मैंने 1 kg आम ले लिए हैं, ये देखें मैंने उनको कटवा लिया था, फिर मैंने घर आके उनको वॉश किया और फिर मैंने एक कपड़े पे फैला के पूरी रात इनको ड्राई होने के लिए रख दिया, एक रात के लिए। अब ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और ये मैंने लिया है जी 1 teaspoon ज़ीरा लिया है, 1 teaspoon मैंने ली है अजवाइन, और 2 teaspoon मैंने ले लिया है दरदरा सा, ये मैंने ले लिया साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में। चलें शुरू करते हैं जी। ये मसाले को मैंने देखें बहुत बारीक नहीं किया, थोड़ा मैंने इसको मोटा रखा है। और ये मैंने जो पीसने वाला मसाला था वो मैंने मशीन में इसको पीस लिया। अब दूसरी चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं। ये कलौंजी है जी, तकरीबन 2 teaspoon तक वो डाल दी है मैंने। 1 teaspoon इसमें जा रही है राई, ये देखें बारीक राई, 1 tablespoon इसमें जा रही है सौंफ, और तकरीबन 2 teaspoon तक इसमें मैं डाल रही हूँ ये है जी मेथी दाना, 1 2, ये 2 teaspoon इसमें मेथी दाना चला गया है। और 2 teaspoon ही इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, ये लाल मिर्च ये मैंने डाली है जी 2.5 teaspoon, और नमक जो है वो इसमें भर के मैंने 1 tablespoon डाल दिया है, ये देखें। और ये सरसों का तेल है जिसको मैंने अच्छी तरह से गरम करके ठंडा कर लिया है, ये तकरीबन है जी 4 tablespoon तक। और ये अदरक पाउडर ये 1 teaspoon मैंने डाल दिया है, और 1 teaspoon इसमें डाल रही हूँ जी ये देखें काली मिर्च पिसी हुई, और 1/2 cup वाइट सिरका, वाइट विनेगर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और अब इसको मैं ऊपर से ढक के इसके ऊपर कपड़ा दे के इसको मैं 3 से 4 दिन के लिए रखूँगी, और इसको हम रोज़ाना हिलाएंगे, 1 से 2 दफ़ा हम इसको हिलाएंगे, उसके बाद ये तैयार होगा। चलें इसको रख देते हैं ढक के। ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा दे दिया है, और इसको मैं नॉर्मल कमरे में ही रख लूँगी, ज़रूरी नहीं है कि इसको धूप में रखा जाए, इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कमरे में रख दें, लेकिन ज़रूरी है कि इसको आप 1 से 2 दफ़ा सुबह शाम हिलाएं। ये मैं 4 दिन के लिए रखूँगी जी। ये अचार को मैंने 4 दिन के लिए ढक के रख दिया था, इसको मैंने रोज़ाना हिलाया है, ये देखें कितना अच्छा ये बन चुका है, इतनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है ना अचार की, बहुत ही अच्छी। अब इसमें मैं मज़ीद सिरका शामिल कर रही हूँ, ये देखें अब इसको आप सिरके समेत किसी भी जार के अंदर भर के रख लें, और ये आपका काफ़ी अरसा तक चलेगा ये अचार। और उम्मीद करती हूँ आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अभी मैं इसको आपको अच्छे से एक बर्तन में निकाल के दिखा जी। ये हमारा मज़ेदार सा कमर्शियल स्टाइल अचार सिरके वाला हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।